नमस्कार। स्वामी राम तीर्थ जी ने नीति कथाओं के माध्यम से वेदांत की शिक्षाओं को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस श्रृंखला के माध्यम से स्वामी राम तीर्थ जी की कुछ चुनी हुई नीति कथाओं को आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज की कहानी का शीर्षक है संसार एक शीश भवन। दर्पण गृह ऐसे घर होते हैं जिनकी सारी दीवारें और छतें दर्पणों से ही जड़ी होती हैं। एक बार एक कुत्ता एक ऐसे ही घर में जा घुसा। अपने चारों ओर उसे सैकड़ों कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देने लगे। उसने ऊपर की ओर देखा, उसे अपने सिर पर कुत्ते दिखाई दिए। बस डर के मारे उसने उछलना कूदना शुरू किया। तुरंत ही सैकड़ों कुत्ते उछलने लगे। तब वह भौंकने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। उन कुत्तों ने भी अपने मुंह फैलाए और दौड़ने लगे। यही ढंग बड़ी देर तक चलता रहा। यहां तक कि थकावट के मारे वह कुत्ता गिर गया और हताश होकर उसने अपना शरीर ही छोड़ दिया। मकान मालिक ने यह हाल देखा और कुत्ते की लाश को उठवाकर फिकवा दिया। तत्पश्चात इसी कमरे में एक सुंदर नवयुवक युवराज ने प्रवेश किया। वह सभी शीशों में अपनी परछाई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले उसने अपने बालों की तारीफ की, फिर मुख और अन्य आकृतियों की प्रशंसा की, अंत में अपनी पोशाक की एवं अन्य बातों की सुंदरता देखी। वह इन सैकड़ों चित्रों से बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये सैकड़ों चित्र स्वयं उसी के हैं। बस हमें तभी विश्राम मिलता है जब हम यह जान लेते हैं कि आत्मा केवल एक है और विभिन्न नामों से हमें जितनी शक्ल सूरतें दिखाई देती हैं, ये सब हमारी वही वास्तविक आत्मा है। अन्यथा उस कुत्ते के समान दशा होती है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि यह हमको धोखा देगा, वह हमारी हानि करेगा, अमुक हमसे कोई चीज ले लेगा, और इन्हीं नाम रूपों के विरुद्ध निरंतर एक झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि हम उन्हें अपने से भिन्न समझते हैं। किंतु एक बार सत्य का अनुभव होते ही हम राजकुमार की तरह शांत हो जाते हैं। हम जान लेते हैं कि आत्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वह निर्विकार और परम स्वतंत्र है। जब तक हम कुत्ते की तरह इधर उधर उछलते रहते हैं, तब तक हम केवल ऊपरी सतह पर जीवन व्यतीत करते हैं। किंतु जब हमें आत्मा का अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब हम सतह के नीचे गोता लगाकर पूर्ण सत्य के साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। इस नीति कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि यथार्थ की अज्ञानता ईर्ष्या और भय की जननी है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।